वालेकुम। और अभी अभी मैं कुछ सामान लेके आ रहा हूँ रेवे से। रेवे यहाँ पे एक जनरल स्टोर के लिए, यहाँ पे अक्सर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। आज के दिन इस व्लॉग में मैं आपकी थोड़ी शिकायतें दूर करूँगा जो अक्सर लोगों को मुझसे हैं। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ और घर जाके आपको बताता हूँ कि क्या किया जाए। अंडे लाना भूल गया हूँ, लेके आके ना फिर बात करते हैं। ये ले जी, सारे काम शाम कर लिए। पांडे अभी धोना रहते हैं लेकिन मैं बाद में जाके धो लूंगा। अभी सीन ये है कि आप लोग पूछते हो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तो भाई सीधी सी बात है, छोटी सी सिंपल सी, 9 to 5 वाला बंदा हूँ, मजदूर बंदा हूँ। अगर मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे तो आप वो देख लें, उसमें मैंने बताया मैं क्या जॉब कर रहा हूँ। एक इंजीनियर हूँ, एक पढ़ा लिखा मजदूर कह लें आप, जिन्हें हम नए ज़माने के जो स्लेव कहते हैं, आपका भाई वो है। तो उसमें वो करते करते, वो स्लेवरी करते करते आपको टाइम नहीं मिलता वीकडेज पे बिल्कुल भी कि मैसेज पढ़ो, फिर रिप्लाई करो, फिर कन्वर्सेशन में जाओ। वो सारी आपको पता है बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो उस चीज़ का टाइम आई एम सॉरी लेकिन नहीं है। उसके लिए मैं अगेन माजरत कर रहा हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे रिप्लाई मैसेज किए और मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सका, तो भाई बहुत सॉरी बट मेरी गलती नहीं है। सीरियसली आप जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं ना, उनसे पूछ लो कि आपकी हालत टाइट हुई होती है जॉब के बाद। और मैं तो अलहदा से कंटेंट भी बना रहा होता हूँ, तो मेरी तो डबल ना बस ज़िंदगी झंड हो जाती है। झंड हिंदी वर्ड है, मुझे नहीं पता अच्छा है बुरा, लेकिन काफ़ी अब थक जाते हो। तो अब सीन ये है कि कुछ लोग जिन्हें जेन्युइन हेल्प चाहिए, जिन्हें कैरियर काउंसलिंग चाहिए, जिन्हें समझ नहीं आ रही यार इस किस कोर्स की क्या डिमांड है जर्मनी में, हम ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, कैरियर काउंसलिंग मुझे पता है पाकिस्तान में मिसिंग है। मैं शुरू से बहुत फोकस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं है कोई अच्छी कैरियर काउंसलिंग, मुझे नहीं पता। आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता देना। खैर, कैरियर काउंसलिंग आप किस बंदे से लेते हो? उस बंदे से जिसे हालात का पता हो, जिसे पता हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, जिसे पता हो कि आपने ये कोर्स किया है तो आगे जाके क्या करोगे, तो स्कोप अच्छा है। मैं जर्मनी के हवाले से बात करूँगा या इन जनरल यूरोप के हवाले से बात करूँगा। तो अगर आपको उस चीज़ की चीज़ चाहिए तो आप मेरे साथ ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हो। वो वाला सेशन आपको वीकेंड पे मिलेगा, ठीक है? वीकडेज पे मैंने जैसे बताया मैं जॉब कर रहा हूँ, वीकडेज पे टाइम नहीं होगा। वो सेशन आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन होंगे, शाम के टाइम हुआ करेगा। तो अगर आपने बुक करानी है अपॉइंटमेंट तो आप मेरी वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे वीडियोस, पॉडकास्ट वगैरह भी अपलोड हुए हैं। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट अगर आपने करनी है तो, अगर जेन्युइन सवाल हैं तब, क्योंकि ये चार्जेस होंगे, ठीक है? और ये चार्जेस सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि यार जो फजूल किस्म के सवाल हैं ना वो ऑलरेडी फ़िल्टर आउट हो जाएं। इस वाले सेशन में वही बंदा आएगा जो मुझे भी पता होगा सीरियस है और उसे भी पता होगा कि सीरियस सवाल करने हैं। तो इन शॉर्ट इसका मकसद ये है। बाकी पैसे शैसे का अगर तुम कह रहे हो तो वो मसला नहीं है भाई को, अलहमदिल्ला नौकरी करता हूँ, अच्छी जॉब अच्छी चल रही है, वो वाला मुझे मसला नहीं है। सिर्फ इसलिए है कि मुझे पता लग सके कि यार सिर्फ जेन्युइन लोग आ रहे हैं। अगर मुझे 100 बंदे मैसेज करते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 काम के होते थे। तो अगर आप बुक करना चाहते हो तो हर हफ्ते के हफ्ते आप बुक कर लिया करो। होपफुली वो आपकी हेल्प आउट करेंगे और जितनी भी कन्फ्यूजन होगी मैं कोशिश करूँगा कि उस वाले ऑनलाइन सेशन में आपकी दूर करूँ। और ऑनलाइन सेशन स्काइप पर हुआ करेगा तो 1-to-1 मैं और आप आमने सामने होंगे, तो जो भी मसले होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया भाई, उम्मीद है अब ये वाली शिकायत दूर हो चुकी होगी। बाकी हाँ मैसेजेस के रिप्लाई के छोटे मोटे जो सवाल होते हैं वो वाला, उसका क्या सीन है, उसके लिए मैंने बंदा पकड़ा है, वो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और बंदा बड़ा हाई क्वालिफाइड बंदा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ब्लॉग्स में देख चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा आप मिलने ये ना। मेरा नाम मुनीब है, मुनीब के साथ 2011 में केमिकल इंजीनियरिंग शुरू की थी। खैर, उसके साथ बाद मैंने 3 साल पाकर फर्टिलाइजर्स में जॉब की थी। सीन इन शॉर्ट ये है उनीबे का, उनीब ने 4 साल बैचलर्स किया नर्स से, उसके बाद इन्होंने 3 साल जॉब की पाकर अब में, और अब ये नर्स से दोबारा मास्टर्स कर रहे हैं। उनीब यहाँ पे मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे पाकिस्तान में, अकाउंट संभालेगा इंस्टा के, मैसेजेस के और एमआर व्लॉग्स के। बेसिकली जब मुनीब ने अप्लाई किया था तो तब मैं भी उस प्रोसेस से गुजर रहा था, बट देन आई गॉट द जॉब, तो मैं फिर ठंडा हो गया कि यार जॉब करते हैं छोड़ो क्या, हाँ जी पढ़ते ही रहना है सारी ज़िंदगी, आई नो द प्रोसेस। उसके बाद अब मेरा छोटा भाई है तो मैं उसकी भी हेल्प आउट कर रहा हूँ, तो मोर और लेस मुझे आइडिया है स्टार्टिंग के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। वो इंशाल्लाह मैं आपको जिधर भी आप अप्रोच करें, बीट वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको हैंडल करूँगा।
हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक होना है, फील्ड स्पेसिफिक, आगे अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कहाँ पे बेहतर है, क्या करना चाहिए, वो आपकी इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे मुनीब के साथ, और मुनीब आपको यानी कि स्पेसिफिक गाइडेंस देगा। तो ये थे मेरे लंगोटिया यार उनीब, और ये आपके मैसेजेस जो भी MR रॉक्स पे, जो मेरे फेसबुक पेज पे मैसेजेस आएंगे, जो मेरे इंस्टा पे मैसेज आया करेंगे, ये वो हैंडल करेंगे, ठीक है। मैंने ना बाहर उतार दिया है, गंजा होने लग जाऊंगा भाई, ये पहली बार झड़ रहे हैं आजकल, इतने मैसेजेस करते हो ना। मैंने नज़र भी चेक करवाई थी, वो भी वीक हो रही है, वो कहते हैं कम मोबाइल यूज़ किया करो, अब वो कह रहे हैं तो करना पड़ेगा, तो आधी नज़र मैं अब उनीब की वीक करवाऊंगा। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो मेरे थ्रू, अगर आपको भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, वैसे मैं कहता रहता हूँ कि यार आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हो, मैंने भी जर्मनी में ख़ुद ही अप्लाई किया था, आप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, कुछ रेटा मोटिवेशन में होगी, कुछ और चीज़ों में होगी, कुछ कोर्स में करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उस चीज़ की आपको चीज़ें चाहिए तो वो भी मेरी टीम हैंडल कर रही है। उनीब को आप बताइएगा, बाकी मेरी IT टीम है वहाँ पे, आप जो भी वेबसाइट के थ्रू जो भी कांटेक्ट करेगा वो IT टीम पढ़ेगी, वो मुझे इन्फॉर्म करेगी, और बाद में हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये छोटा सा पैगाम था, आई होप मैं क्लियरली दे सका हूँ। बाकी अगले व्लॉग्स में मिलते हैं, ठीक है। डांस मूव चेक करें बैठे बैठे। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो जैसे कि मैंने बताया, मुनीब पाकिस्तान में मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। मुनीब नहीं, मुनीब भाई। यार क्या मतलब, आपको मेरा नाम भी भूल गए लोगों को, आप कह रहे हो मैं 8 साल से इसका दोस्त। मुनीब तो खुद कंफ्यूज कर दिया तूने। अच्छा, मुनीब मेरे 8 मुनीब से भी कई दफ़े से भी रिप्लाई नहीं करता, बैठा होता हूँ मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, मेरा टाइम नहीं है तुम जैसों के लिए, सॉरी। क्योंकि आप, मैंने सुना बहुत देर में यार।